हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ एक नया उपक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको गूगल शीट्स पे आपकी आपके पोर्टफोलियो को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उसका हम एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं। और आज आपको एकदम बेसिक से हम आपको सिखाएंगे कि एक गूगल शीट पे गूगल फाइनेंस फंक्शन यूज़ करके हम जो है ये आपके स्टॉक्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक नया गूगल शीट्स का इंस्टेंस चालू किया है, जो आप आपके ड्राइव में जाके शुरू कर सकते हैं। हम इसको एक नाम देते रहते हैं, पोर्टफोलियो ट्रैकर, और एंटर मार दिया तो ये सेव हो जाएगा नाम। अभी हमें गूगल फाइनेंस फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। गूगल फाइनेंस फंक्शन जो है, हमें बहुत सारी चीज़ें हमें डेटा देता है, लाइव डेटा, ऑलमोस्ट लाइव बोल सकते हैं, एकदम लाइव नहीं लेकिन 1 मिनट डिले से चलता है ये डेटा। फिर भी हमें अगर एंड ऑफ द डे ट्रैकिंग करना है या इवन ड्यूरिंग द डे ट्रैकिंग करना है तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये कैसे करेंगे, तो हमें चाहिए रहता है कंपनी का नाम, तो हम यहाँ पर डालेंगे कंपनी नेम, और हम उसमें डालेंगे प्राइस, जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा। हम ये देखते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल हमें अगर गूगल फाइनेंस यूज़ करके रिलायंस के स्टॉक को हमें ट्रैक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलग अलग मेथड है, हम फर्स्ट एकदम बेसिक मेथड से चालू करते हैं। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस, फिर इन द ब्रैकेट हमें यहाँ पे रिलायंस के लिए उसका NSE का कोड जो गूगल फाइनेंस देता है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम, तो हमें ये नेम ऑफ द कंपनी दिखाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी वैसे ही हमें प्राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गूगल फाइनेंस फिर से कोड डालेंगे NSE रिलायंस, और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। तो हमें लास्ट क्लोज प्राइस मिलेगा, हमको इसका लास्ट क्लोज प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन में रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस है 3170। अभी ये एक मेथड है, लेकिन अगर हमें हमेशा जितने भी हमें इसके फंक्शन यूज़ करने हैं, ये सारे फंक्शंस अगर यूज़ करने हैं, हर टाइम हमें कोड डालना पड़ेगा तो थोड़ा पेनफुल हो जाएगा। तो हम इसको एक नए तरीके से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जगह पे यहाँ पे एक कॉलम हम लोग ऐड करते हैं, इंसर्ट वन कॉलम लेट, और यहाँ पे डालते हैं कोड, और ये कोड में हम यहाँ पे लिख देते हैं NSE रिलायंस। अभी इसको हम सिंपली इससे इसको हम निकाल के इस कोड से रिप्लेस कर देते, तब भी वही रिजल्ट आएगा और आपको बार बार ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस इसमें गूगल फाइनेंस के हैं, हम इसको एक एक करके सीखेंगे। तो अगर हमें निफ्टी फिफ्टी के सारे स्टॉक्स इसमें डालने हैं तो डाल सकते हैं क्या? हाँ जी डाल सकते हैं। हमें क्या करना है, अगर हमें TCS डालना है तो हमें TCS का कोड डालना पड़ेगा, फिर हमें समझो ITC डालना है तो ITC का कोड डालेंगे, हमें इन्फोसिस डालना है तो इन्फोसिस का कोड डालेंगे। अभी बहुत सिंपल हो जाता है, एक बार कोड डाल दिया तो इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो अपने आप इनका रिजल्ट आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिक आपको समझ में आया कि हम कैसे इसको प्राइस को लाते हैं। अगर हमको आज का हाई देखना है, आज का लो देखना है, और अगर हमें आज का ओपन देखना है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ऊपर पहले तो हमें क्या देखना है वो नाम लिख देते हैं, हाई लो ओपन। तो अभी हमें यहाँ पे सिंपली जाकर गूगल फाइनेंस के फंक्शन को यूज करना है, गूगल फाइनेंस फिर कोड का रेफरेंस A2 से मिलेगा हमें, और यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है हाई।
तो आज के दिन में रिलायंस का हाई क्या था? 3208। आज के दिन में रिलायंस का लो क्या था? ये अगर हमें देखना है तो फिर से हम वही गूगल फाइनेंस कोड लो, I'm sorry, लो और ये डाल दिया, तो आज का लो पता चल गया हमें 314 में। और आज सुबह कितना खुला था अगर वो देखना है तो हम क्या करेंगे, फिर से गूगल फाइनेंस रेफरेंस A2 कॉमा और ओपन। ओके, तो शायद प्राइस ओपन होगा जी, तो फंक्शन ये है प्राइस ओपन। अभी फिर से हम इसको केवल ड्रैग करेंगे तो हमें ये चारों स्टॉक का पता चल जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है कि हम ये प्राइस, ये जो प्राइस है CMP बोल सकते हैं या लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोल सकते हैं, जो गूगल फाइनेंस कैप्चर करता है स्टॉक एक्सचेंज से। तो अगर आपको ये देखना है कि कल क्या था, तो प्रीवियस डे क्लोज वो तो भी आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस कोड और यहाँ पे उसका फंक्शन है क्लोज यस्टरडे, केवल इतना देना है तो आपको ये फंक्शन आ जाएगा। यानी इससे आपको पता चलेगा कि कल क्या था और आज क्या सिचुएशन है। यानी कल जो क्लोज था उससे रिलायंस का आज का अभी का प्राइस ऊपर है कि नहीं, TCS का प्राइस नीचे है, ITC का प्राइस ऊपर है, इंफोसिस का प्राइस ऊपर है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको कलर कोडिंग दे सकते हैं। तो ये कैसे फॉर्मेट करेंगे, तो आप क्या करिए, सिंपली इसको सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, और यहाँ पे हमने रेंज ओपन किया है C2 to C5। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग के रूल्स है, रूल्स में हमें क्या करना है, कस्टम फॉर्मूला लेना है, इज इक्वल टू C2 इज ग्रेटर देन G2, तो ये ग्रीन हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे कि ये हमें C2 G2 सबका अलग नहीं करना है, एक बार सिलेक्ट कर दिया तो ये ऐसे अपने आप ये हो जाएगा। वैसे तो अगर C2 इज लेस देन G2 करेंगे तो हम उसको रेड भी कर सकते हैं, यानी हमें पता चलेगा कि कल से इसका प्राइस नीचे है, तो हमें एक विजुअल इंडिकेशन मिल जाएगा जिससे आपको आसानी हो रहेगी आपके पोर्टफोलियो देख के एक ही नज़र में कि भाई हमारा स्टॉक जो है कैसे परफॉर्म कर रहा है कल के मुकाबले। तो इतना आप इसको खूबसूरती से बना सकते हैं गूगल शीट को, जैसे इसको बोल्ड कर दिया। तो ये केवल इतने ही इसमें जो है फंक्शंस नहीं है, और भी ज़्यादा फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।